तो गाइस सबसे पहले देखिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आप सभी को आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो अभी खाली हैं और पैसा कमाना चाहते हैं ऑनलाइन के थ्रू, जॉब करना चाहते हैं, उनको अगर जॉब नहीं मिली है, तो मैं आज प्रे करूंगा, विश करूंगा कि उनकी दोस्ती हो जाए उनकी जॉब से, उनको बहुत अच्छी जॉब मिले, उससे ऐसी दोस्ती हो जाए कि लाइफ टाइम तक वो उनके साथ रह सके। तो इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर दोबारा हैप्पी फ्रेंडशिप। तो गाइस आज की ये जॉब उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो इस तरह की जॉब चाहते हैं कि एक तो घर बैठे बैठे उनको काम मिल जाए, दूसरा ये जो जॉब है ये एक MNC कंपनी है। अब MNC कंपनी जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि MNC कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, यानी कि वहाँ पर कुछ परसेंटेज जो है आउट ऑफ इंडिया की जो कंपनीज होती हैं उनका भी होता है, लेकिन वर्क वो इंडिया के लिए करती हैं। अब यहाँ पे काम करने के फ़ायदे देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक MNC कंपनी में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक कंपनी में एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है एनवायरनमेंट और सैलरी। सैलरी आपकी कम होती है, प्लस वहाँ का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता जैसा कि MNC कंपनीज में होता है। सेकंड कि यहाँ पर MNC कंपनी के अंदर आपको जो वर्किंग डेज होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं, यानी कि 5 आपको काम करना होता है, 2 का आपका ऑफ रहता है। तो वीक में सिर्फ 5, अगर मैं मंथ में कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग 21-22 आप पूरे मंथ में काम करते हैं। तो ये फ़ायदा होता है MNC कंपनी में काम करने का, प्लस सैलरी में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूँ, जहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी में अगर कोई सैलरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है लगभग 12 से लेकर स्टार्ट होती है और मैक्सिमम इस काम के लिए पहुँचती है 18-22 हज़ार तक। लेकिन क्योंकि ये MNC कंपनी है और यहाँ पर अगर इस तरह का यानी कि KYC का अगर आप काम करते हैं, जो कि होता है नो योर कस्टमर, आपको कस्टमर का वेरिफिकेशन करना होता है, सिर्फ यही काम यहाँ पे होता है। तो ये काम करने के MNC कंपनी यानी कि जिस कंपनी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको इस कंपनी में लगभग 35-40 हज़ार रुपये मंथली की सैलरी मिलती है। तो आप खुद से देखें कितने सारे बेनिफिट्स आपको इस कंपनी के साथ जुड़कर मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आखिर अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, यहाँ पर जब आप अप्लाई कर देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको घर बैठे बैठे ही जॉब करनी है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, घर बैठे बैठे ही आपको सारा काम करना है, घर बैठे बैठे ही आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। थर्ड जो और जो मेन चीज़ है वो है अब यहाँ पर कि इस काम को करने के लिए आखिर क्वालिफ़िकेशन की क्या ज़रूरत है। अब क्योंकि देखिए MNC कंपनी है, अब MNC कंपनी जो होती है वो 8th या 10th पास वालों को नहीं लेती है, यहाँ पर कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अब वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तीनों में से किसी भी चीज़ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप ग्रेजुएट हैं, तो फिर ये जॉब आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस जॉब के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए काम क्या होने वाला है, पहले मैं एक बार वो आपको बता देता हूँ। ये जो कंपनी है इनकी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको अप्लाई करना है, लेकिन इनका जो यूज़र्स हैं यानी कि जो इनको यूज़ करते हैं वो एक ऐप है। अब ऐप के थ्रू जो इनके यूज़र्स होते हैं, देखिए कोई भी ऐप को अगर यूज़ कर रहा होता है, जो उसके यूज़र्स होते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कस्टमर केयर होता है, एक ऐप होती है जहाँ पर एक चैट का ऑप्शन होता है। सिंपल सा कस्टमर के पास भी इस ऐप का एक चैट का ऑप्शन होता है। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग इस वेबसाइट या इस ऐप के, तो सिंपल सा वो आपको उस चैट पे क्लिक कर आपसे लाइव जो है चैट करते हैं। आपको भी सिंपल सा उन लाइव चैट का आंसर देना होता है, उनकी जो भी क्वेरीज होती है उनको आपको सॉल्व करना होता है। दैट्स इट, ये एक छोटा सा काम होता है जो आपको करना होता है। इसके साथ ही साथ आपको कस्टमर की KYC भी करनी होती है। KYC का मीन्स होता है कि जो कस्टमर इनके साथ यूज़र्स जुड़े हुए हैं उनके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं कि डॉक्यूमेंट सेम है जो उन्होंने अपलोड किए थे, एक बार क्रॉस चेक करना होता है और उनको डेटाबेस में अपडेट कर देना होता है। तो ये सिंपल सा काम यहाँ पे होना होता है। अब इस काम के लिए यहाँ पर देखिए जो 2 मेन मांगी गई हैं वो है हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एक MNC कंपनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज का होना यहाँ पर ज़रूरी है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश में होना चाहिए, अगर आपको इंग्लिश समझ सकते हैं तो इनफ है, पर आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर इंडिया के अंदर कोई वेबसाइट काम कर रही है, कोई ऐप काम कर रही है, कोई यूज़र्स हैं, तो वो ज़्यादातर हिंदी ही आपसे बोलेंगे। तो हिंदी मेन है, हिंदी अगर आपकी अच्छी और इंग्लिश आपको समझ में आती है तो फिर यहाँ आप
इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कौन सी वेबसाइट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले यार एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए रेड कलर के बॉक्स पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता लग जाए। अब ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि देखिए मैं इस चैनल पर आपको हमेशा जेन्युइन जॉब्स की डिटेल्स देता रहता हूँ, आप घर बैठे कैसे पैसे कमाएं ये आपको हमारे चैनल पर पता लगता है। साथ ही जब आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है, तो अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बिना देरी के मैं सीधे लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो बिना देरी के चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए आप आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और देखिए मैंने आपको जो लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में वो दो लिंक है और दोनों सेम ही जॉब के हैं, यानी कि जॉब प्रोफाइल दोनों के सेम है, लेकिन कभी कभी जब एक लिंक काम नहीं करता तो आपको दूसरे लिंक से अप्लाई कर देना है, या फिर आपको दोनों लिंक अगर ओपन हो रहे हैं तो दोनों लिंक से ही आपको अप्लाई कर देना है। इससे आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि यहाँ पर आपको काम मिल सके। तो अभी जो पहला लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने पहला लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट स्पेशलिस्ट है, KYC ATO की हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए है ये। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ये जो कंपनी है ये देखिए रिवोल्यूट की तरफ से है और ये काफी बेहतरीन कंपनी है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये एक MNC कंपनी है जो कि बेस्ड है यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि UK में बेस्ड ये वेबसाइट है, लेकिन क्योंकि अभी ये हायरिंग कर रही है इंडिया से तो यहाँ पर एक आपके चांसेस बन जाते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट पर आपको काम करने का मौका मिलता है, वो भी वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इनका ऑफिस जो है वो बेंगलोर में है और ये क्योंकि रिमोट इंडिया है, यानी कि इंडिया के आप किसी भी कोने पर रहते हो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि MNC कंपनी है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 5 दिन का आपका काम होगा, 2 दिन आपके ऑफ होंगे, तो यहाँ पर काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पर जो आपका काम है वो सिर्फ KYC का है और आपका जो ऐप है उस पर आपको सपोर्ट देना है, दैट्स इट। अब देखिए अगर आप रिवोल्ट के बारे में नहीं जानते तो यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकते हैं कि ये पीपल डिजर्व मोर फ्रॉम देयर मनी, मोर विजिबिलिटी, मोर कंट्रोल, मोर फ्रीडम, एंड सिंस 2015 से ये जो कंपनी है ये काम कर रही है। तो अब देखिए 2022 हो चुके हैं तो लगभग 7 साल हो चुके हैं इस कंपनी को और 20 मिलियन से ऊपर इनके कस्टमर हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं, 5,000 से ज्यादा लोग इन कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस वेबसाइट पे ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। अब अगर आपके रोल की बात करें तो यहाँ पे आपका रोल क्या होने वाला है, आवर कस्टमर सपोर्ट टीम इज द पब्लिक फेस ऑफ द कंपनी, यानी कि यहाँ पर जो आपकी हायरिंग हो जाएगी, आप यहाँ पे काम करेंगे तो आप एक कंपनी का चेहरा होंगे क्योंकि लोग आपको जानते हैं कंपनी को नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जो भी इनके कस्टमर हैं, जो भी इनके ऐप को यूज करते हैं, इनके यूजर्स हैं, उनको आपको रेजुलेशन देना होता है, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे कस्टमर सपोर्ट को ढूंढ रहे हैं जो इनकी टीम को ज्वाइन कर सके और KYC सपोर्ट स्पेशलिस्ट बन सके। अब अगर मैं इस रोल की बात करूं तो ये सिर्फ टिकटिंग ऑफ टिकटिंग का नहीं है, यहाँ पर आपको आंसर भी देना होता है। अगर कोई आपसे कस्टमर कोई आपसे अगर चैट में कोई चीज पूछता है तो उसका भी आपको आंसर देना होता है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका काम, जैसे मैंने बताया कि पूरा जो है आपका एक ऐप होती है उस पर ये काम सारा होता है, ऐप पे ही आपको KYC करनी होती है कस्टमर की और ऐप पे ही आपको एक चैट सपोर्ट का ऑप्शन भी होता है, यानी कि कस्टमर जो यूजर्स इस ऐप को यूज कर रहे होते हैं उनके पास अपनी क्वेरी को लेके एक चैट सपोर्ट का ऑप्शन होता है जिसपे वो क्लिक कर आपसे चैट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो काम आपका चैट का और आपका KYC का होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आपको काम क्या करना है, हेल्पिंग अवर यूजर्स विद देयर ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस वाया अवर इन ऐप लाइव चैट, यानी कि आपको जो इनके यूजर्स हैं, रिवोल्ट पे देखिए ऑलरेडी पहले से यूजर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई सेल करनी है या कोई कस्टमर बनाने, नहीं, यहाँ पे जो ऑलरेडी यूजर्स हैं जो यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर चैट के थ्रू आपसे बात करते हैं अपनी ऐप में, वहां पे लाइव चैट आपसे करते हैं, तो आपको जो भी उनकी क्वेरीज होती है उनको सॉल्व करना होता है और साथ ही आपको जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो KYC करने होते हैं और उनको आगे प्रोसेस में लाना होता है डाटा को। अब KYC देखिए बताए तो क्या होता है, नो योर कस्टमर, यानी कि यहाँ पर आपको चेक करने होते हैं कि जो यूजर्स जुड़े हुए हैं क्या उनके डॉक्यूमेंट्स सही हैं
तो उनको आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। अब आपको देखिए यहाँ पर जो कंपनी है इसको हर समय रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपको, क्योंकि आप इस वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इनकी जो भी क्वालिटी है वो सारी बतानी होती है ऑन बोर्ड। कोलेबरेटिंग विद अदर टीम अक्रॉस लंडन, मैस्को, पोर्टोड एंड लुथानिया टू टिकली एनी कस्टमर्स इश्यूज, यानी कि यहाँ पर देखिए हर तरह के कस्टमर्स आपको मिलते हैं, चाहे वो लंडन हो, मॉस्को, पोर्टो, लुथियाना, इंडिया के भी कस्टमर यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फ्लोलेस इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट हिंदी, हिंदी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो है यहाँ इंडियंस भी आपसे बात करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल टू एनालिस्टिक स्किल्स, यानी कि आपके अंदर किसी भी चीज को एनालाइज करने की अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग आपकी होनी चाहिए, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए कम से कम बैचलर डिग्री और इक्विपमेंट, यानी कि बैचलर डिग्री या इससे जुड़ी हुई कोई भी डिग्री यहाँ पे चल जाएगी। अगर रिसेंट यूनिवर्सिटी ग्रेड्स वेलकम, अगर आपने अभी अभी कोई ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए आपका यहाँ पे स्वागत है। तो कम से कम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से हो। स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स होना चाहिए, ग्रेट न्यूमेरिक एंड आईटी स्किल्स होना चाहिए, यानी कि आपको लिखना अच्छा आना चाहिए, क्योंकि देखिए सारा काम यहाँ पे चैट पे होने वाला है, तो आपको लिखना काफी अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब नाइस टू हैव, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास पहले का कोई कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस है तो वो एक प्लस पॉइंट होगा, एड ऑन होगा आपके रेज्यूमे के लिए या आपके जॉब के लिए। और अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेज आती है तो फिर वो एक बहुत ही ज्यादा एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। मान लीजिए आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली कुछ भी आती है तो वो एक एड ऑन हो जाएगा जब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई फॉर दिस रोल का एक ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस अप्लाई फॉर दिस रोल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह का एक आपके सामने फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले अपना फुल नेम, फिर ईमेल। अब यहाँ पे देखिए आपको इंडिया का सिलेक्ट करना है 91, यहाँ पे इंडिया का 91 आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंडिया, तो ये देखिए इंडिया का आ गया है 91। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डाल देना है, करंट कंपनी आपको डालनी है, किस कंपनी में अभी ऑप्शनल है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। वर्क लोकेशन आप कहाँ की प्रेफर करते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस जो है वो आपके पास दो हैं, या तो बेंगलोर या इंडिया रिमोट। अगर आप बेंगलोर में हैं तो सीधे बेंगलोर कीजिए, अगर आप और कहीं से भी हो तो आप इंडिया रिमोट कर दीजिए, यानी कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले अपना रेज्यूमे अटैच करना है, जो कि होना चाहिए पीडीएफ डॉक या डॉक एक्स में। उसके नीचे यहाँ पे देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है तो वो ऑप्शनल है, उसी तरह से यहाँ पे दूसरा वाला भी ऑप्शन है, दोनों को आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जेंडर क्या है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऑप्शनल है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, दोनों को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। केवाईसी सपोर्ट स्पेशलिस्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए आपको वीजा की जरूरत है, अगर आप बाहर काम करते हैं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, क्योंकि अभी आप इंडिया में कर रहे हैं तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अभी पूछ रहा है कि इंग्लिश में आप कितना फ्लुएंट है, तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट नहीं, एडवांस पे क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा। उसके नीचे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपकी स्पेसिफाई योर ग्रॉस ईयरली सैलरी कितना आप चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ईयरली, आप अगर आप यहाँ पे अगर 35,000 या 40,000 रुपये भी अगर आप पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 4,80,000 रहते हैं, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नोटिस पीरियड कितना होगा यहाँ पे वो आप लिख सकते हैं, 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है आर यू ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, तो आप यस कीजिएगा। आर यू फ्लुएंट इन हिंदी, तो बिल्कुल यस कीजिएगा। आर यू बेस्ड इन कर्नाटका बेंगलुरु, क्या आप कर्नाटका बेंगलुरु से हैं, तो हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप नहीं है एंड आप रिलोकेट भी नहीं करना चाहते तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और अगर आप नहीं है लेकिन रिलोकेट कर सकते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सिंपली आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर आपको ये एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे आपका ये फॉर्म सीधे चला जाएगा कंपनी के पास, वो उसका रिव्यू करेंगे और आपके पास रिवर्ट बैक आएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, कोई आपके इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ट्राई करने में कुछ नहीं आता, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी तरह से जो दूसरा लिंक है वो भी सेम ऐसा ही है, देखिए ये सिर्फ KYC के लिए है, इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है।
सेम वही सारी चीजें हैं, अप्लाई पे आपको सेम ऐसे ही क्लिक करना है और सेम वही आपको इस तरह से पूरा फॉर्म भरकर सबमिट कर देना है। दोनों जॉब के लिए आपको अप्लाई कर देना है क्योंकि किसी न किसी में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। MNC कंपनी है, 5 डे वर्किंग है, 35 से 40 हजार रुपए मंथली आपको मिल सकते हैं। तो ट्राई करने में कुछ नहीं आता क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एक बेहतरीन कंपनी के साथ काम करने का। KYC का काम जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे होने वाला है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने होंगे कस्टमर के। इतने से काम के आपको इतना सैलरी मिल रही क्योंकि ये एक बाहर की कंपनी है। तो अभी से अभी यार लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर दोनों लिंक पर क्लिक कर दोनों पे अप्लाई कर दीजिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पे ऑलवेज बैठा हूँ। मुझे यार कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू गाइज। तो गाइज देखा आपने कैसे मैंने आपको यहाँ पर कोशिश करी कि सारी चीज़ें डिटेल्स में बता सकूँ। आपको भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिले हैं, दोनों जॉब सेम है लेकिन अप्लाई करने के लिए दोनों पे आपको अप्लाई करना है क्योंकि कभी कभी एक जगह से अप्लाई करने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन दोनों जगह से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका वहाँ से सिलेक्शन जल्दी हो सके। आज वैसे भी देखिए फ्रेंडशिप डे है और मैं चाहता हूँ कि यार इस फ्रेंडशिप डे आपको आपकी दोस्ती यानी कि जो जॉब है उससे आपकी दोस्ती हो जाए और आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिले। तो इस वीडियो को यार शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के बीच में जिन्हें अभी जॉब की तलाश है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यार ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।